उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल में कोरोना संक्रमण का एक पॉजिटिव मामला सोमवार को सामने आया है। संधोल में संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र में एक 19 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि उसमें कोरोना संक्रमण के कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे। वहीं हाल ही में अपने माता पिता के साथ मुंबई से वे लौटी है और ये परिवार संधोल में इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन केंद्र में रह रहा था। उसके माता पिता की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उपायुक्त ने बताया कि संक्रमित युवती को संधोल से मंडी के ढांसीधार स्थित जल शक्ति विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। उसमें कोरोना के कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है। कुछ दिन बाद उनके सैंपल पुनः लिए जाएंगे और सैंपल की रिपोर्ट आने के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परिवार के 3 सदस्यों समेत धर्मपुर के 20 लोग हाल ही में मुंबई से लौटे थे। वे सभी संस्थागत क्वारंटाइन पर हैं। उन सभी के सैंपल लिए गए थे जिनमें से उपरोक्त एक पॉजिटिव मामला आने के बाद अन्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उपायुक्त ने कहा कि महाराष्ट्र से हाल ही में मंडी लौटे जिला के 167 लोगों में से 125 के सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 5 मामले मिले हैं। बाकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। इनमें रविवार को एक मामले के अलावा 4 मामले 23 मई की रात को आए थे। वे सभी उपचाराधीन हैं। शेष लोगों के सैंपल भी रविवार को लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। आज के दिन हमारे पास जो टोटल लोग आए हैं पिछले एक महीने में, वो संख्या जिला मंडी में 10,000 टच कर गई है। और इन 10,000 जो लोग हमारे पास आए हैं, इनमें से 6,600 लोगों के क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का वो पूरा हो चुका है और वो अपनी बाकी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। बाकी लोग अभी हमारे या तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है या तो होम क्वारंटाइन में है, जो हमारे यहाँ पर प्रक्रिया है। और जैसे उनका समय पूरा हो रहा है, वही उस तरह से वो क्वारंटाइन से मुक्त हो रहे हैं। एक इसमें हमारा प्रयास है कि पहले लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आ रहे थे, इन सबको हमने सभी जितनी फैसिलिटीज हमारी थी, चाहे पंचायत स्तर की थी चाहे हमारी दूसरे फैसिलिटीज थी, सभी जगह पर उनको हाउस किया है। पर अब प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूल्स आने वाले दिनों में शुरू होने की संभावना है, तो हमें डायरेक्शन दी गई है कि 28 मई तक सभी स्कूल्स कॉलेजेस जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जितने भी हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, उनको खाली करना है। तो उस प्रक्रिया को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब कोई नया जितने भी लोग आ रहे हैं, वो किसी को भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं रख रहे हैं। और जितने लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले ही हाउस्ड है, उनको हम उनके जैसे सैम्पलिंग कर रहे हैं। सैम्पलिंग की भी प्रक्रिया अभी काफ़ी बढ़ाई है। पिछले 2-3 दिनों में हमारे लगभग 450 के करीब सैंपल्स हमारे पिकअप हुए थे और उनको प्रोसेस किया गया था। तो हमारी सैंपलिंग की प्रक्रिया भी बढ़ रही है, जिससे कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में लोग हैं, उनके हम जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस है, 6-7 डेज के बाद उनके सैंपल्स उठा रहे हैं। और अगर सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन, रिमेनिंग पीरियड जो 14 दिन का है, उसको होम क्वारंटाइन में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की प्रक्रिया जिला मंडी में हम अपना रहे हैं। और अभी जो फ्लो है वो हमारा काफ़ी कम हो गया है पहले के इसमें, तो बाकी फैसिलिटीज है उसमें हम सभी को अकोमोडेट कर रहे हैं।